हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। दोस्तों, आज आप लोगों को मार्केट में फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद फर्स्ट हाफ में काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी, लेकिन सेकंड हाफ में काफ़ी अच्छा खासा बूम देखने को मिला। उसका एक रीज़न आप लोग देख सकते हैं यहाँ कि IT स्टॉक्स में भी काफ़ी बढ़िया रैली देखने को मिली। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस स्टॉक के बारे में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 2% का गजब मोमेंटम आपको इस स्टॉक में लौटता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लोग इंट्राडे टारगेट की बात करें तो दोस्तों, आप लोगों को देखने को मिला था कि सुबह सुबह ICICI डायरेक्ट ने यहाँ पे पब्लिश किया था 1930 रुपीज़ के आसपास का टारगेट आपको देखने को मिल रहा था। हालांकि ये स्टॉक यहाँ तक डेफिनेटली अचीव कर सकता है आने वाले एक दो ट्रेडिंग सेशंस के आसपास, तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मौका मिला है आप लोगों को खरीदारी करने का। ये मैं बता रहा हूँ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आप लोगों को इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। उसके पीछे के क्या रीज़न है वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वीडियो को बिना स्किप करते हुए लगातार देखते रहिए। यहां पे आप लोग देख सकते हैं एक्सेंचर के बहुत अच्छे क्वार्टर अर्निंग आया है, जिसके चलते IT स्टॉक्स में काफी सारे ब्रोकरेज हाउसेस के काफी बुलिश व्यू आपको देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं 38%+ रिटर्न के आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है टारगेट, जिसमें कि TCS, इंफोसिस, विप्रो, SCL टेक ऐसी कंपनियां आप लोगों को शामिल होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा लंबा टारगेट की बात करें तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्रेडिट ने जो यहाँ पे टारगेट दिया है इंफोसिस का, वो है 2350 रुपए के आसपास। यहाँ से 26% ऊपर का मोमेंटम आपको दिखाता हुआ नजर आ सकता है, तो डेफिनेटली काफी बढ़िया टारगेट आपको यहाँ पे निकल के आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर क्वार्टर टू की अर्निंग यहाँ पे काफी बढ़िया रहती है तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉक जो है अच्छा खासा रैली आप लोगों को दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर थोड़ा लंबा होरिजन है तो डेफिनेटली यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करें तो लास्ट 6 मंथ का आप लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलती है, वो है 1800-1700 के लेवल के आसपास। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 1700 के लेवल्स पे स्टॉक ने बहुत बार सपोर्ट लिया है, बहुत बार। तो यहाँ पे अगर स्टॉक थोड़ा बहुत गिरता है 1800 या 1750 के लेवल पे आता है तो आप लोग डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं, और यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम ये जो हर बार आता हुआ आपको नजर आता है ये आप लोगों को मिल सकता है। तो यहाँ पे जब भी स्टॉक आप लोगों को 1750 के अराउंड देखने को मिले तो आप लोगों को यहाँ पे खरीदारी करने से बिल्कुल नहीं चूकना है। शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी अच्छा पैसा बनेगा और लॉन्ग टर्म में ऑलरेडी इस स्टॉक ने बड़े बड़े इन्वेस्टर बना दिए हैं। इस स्टॉक में जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है वो आप लोग देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में कैसे रिटर्न इस स्टॉक ने दिए है। 16,181% ऑलरेडी इस स्टॉक ने डिलीवर करी है, तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। आप लोग बेफिक्र होकर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की होगी। वीडियो से लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।